दूर किसी जंगल में चिड़िया अपने पति और दो बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति मेहनत मजदूरी करता था। वो इतना ज्यादा तो नहीं कमाता था, लेकिन इतना कमा लेता था कि वो दो समय की रोटी आराम से खा लेते थे। अब कुछ समय से मानो चिड़िया बीमार रहने लगा था, लेकिन वो अपनी बीमारी के बावजूद काम पर जाता। एक दिन सुबह सवेरे वो काम पर जाने ही वाला था कि उसे चक्कर आता है और वो गिर जाता है। अरे गुड़िया के पापा, क्या हुआ? मैंने आपको कितनी बार कहा है एक बार डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा लें, लेकिन आप भी मेरी एक नहीं सुनते। आज तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाकर ही रहूंगी। गुड़िया बेटी, आप अपनी बहना का ख्याल रखना, मैं आपके पापा को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। जी मम्मा, मैं बहना का ख्याल रख लूंगी, आप जाएं। फिर रानो अपने पति को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़े का अच्छे से चेकअप करती है। रानो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, तुम्हारे पति को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। अब तो इनका इलाज भी नहीं हो सकता। अब बस ये तुम्हारे पास कुछ ही दिनों के मेहमान है, अब आप इन्हें काम पर बिल्कुल जाने देना। बुलबुल डॉक्टर रानो को ये सब बता रही थी और रानो ये सब सुनकर बुत बनी खड़ी थी। रानो, अब आपको हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि अब अपने परिवार का आपको ही सहारा बनना है। फिर रानो अपने पति को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। रानो, बताओ ना, क्या कहा बुलबुल डॉक्टर ने, मुझे क्या हुआ है? जी कुछ नहीं, डॉक्टर कह रही थी आपको बस थोड़ी खून की कमी है, जिसकी वजह से कमजोरी ज्यादा हो गई है। अब आप कुछ दिन काम पर नहीं जाएंगे, घर पर रहकर आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। रानो, ये आप क्या कह रही हैं? अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उसकी आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना, मैं कुछ कर लूंगी। रानो, मैं आपको काम करने नहीं दे सकता, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बस कुछ दिन आप आराम कर लें, फिर आपने ही काम करना है। अब मैं मजीद आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। गुड़िया, आप अपने पापा और बहना का ख्याल रखना, मैं किसी काम की तलाश में जा रही हूँ। फिर रानो चिड़िया घर से बाहर काम की तलाश में चली जाती है। वो सारा दिन काम की तलाश करती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। ऐसे वो हर रोज सारा सारा दिन फिरती, लेकिन उसे कोई ढंग का काम ना मिलता। बस थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती, जिसे वो अपने बच्चों और पति के लिए एक वक्त का भोजन ले जाती। अब उसके पति की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन उसका पति उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। उसकी बेटियां रो रही थीं, पापा पापा उठें, आंखें खोलें, पापा आपको क्या हो गया? क्या मेरे पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे? मुझे रात को कहानी कौन सुनाया करेगा? रानो अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लगा लेती है। चुप कर जाओ मेरी बच्चियों, चुप कर जाओ, हमारा साथ आपके पापा के साथ बस यहीं तक था, अब जिंदगी के सफर में हम अकेले रह गए हैं। रानो तो अपने पति के जाने के सदमे से बिस्तर पर ही लग जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी पड़ोसन गौरी कव्वी उसके घर आती है। रानो, अब तुम्हें खुद में हिम्मत पैदा करना होगी, जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता। देखो जरा अपनी बच्चियों की तरफ, उनका तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। गौरी बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटियों को अकेले कैसे पालूंगी? मुझे
मुझे तो कोई अच्छा काम भी नहीं मिल रहा। रानो, तुम्हारे पति की थोड़ी सी जमीन तो थी जिस पर केलों के पेड़ थे, तुम वो केले बेच आया करो। लेकिन गौरी, वो केले तो अभी कच्चे हैं और उनके पकने में अभी एक महीना रहता है। रानो, कच्चे केले तो पके हुए केलों से भी ज्यादा अच्छे दामों बिक जाते हैं। गौरी बहन, वो कैसे? रानो, कच्चे केलों की चिप्स बहुत शौक से खाते हैं पक्षी। तुम ऐसा करो, कच्चे केलों की चिप्स बनाकर बेचना शुरू कर दो, तुम देखना कितना मुनाफा होगा तुम्हें। गौरी, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना अच्छा मशवरा देने के लिए। मैं कल से ही ये काम शुरू कर दूंगी। अगले दिन रानो अपने केलों के पेड़ से कच्चे केले तोड़कर लाई और उनकी चिप्स बनाकर ठेला लगा लिया। शाम तक उसकी सारी चिप्स ही बिक गई। उस दिन उसकी बेटियों ने पेट भर भोजन खाया। फिर तो रानो का चिप्स बेचने का काम बहुत अच्छे से चलने लगा और उसके घर के हालात ठीक हो गए। उसकी बेटियां भी उसके काम में उसका हाथ बटाती। लेकिन अब भी रानो अपने पति को याद करके बहुत दुखी हो जाती। अब उसके पास सब कुछ था सिवाय उसके पति के, जिसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता था। उका मारा कौवा उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। आज तो इंसानों की आबादी से भी कुछ नहीं मिला, लगता है आज भूखे ही घर लौट कर जाना होगा। कौवा बैठा ऐसे सोच रहा था कि उसे किसी चीज की खुशबू महसूस होती है। ये खुशबू कितनी अच्छी लग रही है, ये कहाँ से आ रही होगी। फिर उसका ध्यान थोड़ी ही दूर किसान के घर में जाता है, जहाँ किसान की पत्नी अंडा फ्राई कर रही थी। ये क्या, ये किसान की पत्नी अंडा खा रही है? क्या अंडे भी खाए जाते हैं? किसी तरह अगर ये अंडा मुझे मिल जाए तो कितना मजा आए मुझे इस अंडे को खाने का। चलो जाता हूँ किसान की पत्नी के पास। कौवा ऐसे सोचते हुए किसान की पत्नी के पास जाता है। माँ जी, ये क्या, आप अंडा ऐसे पकाकर क्यों खा रही हैं? इसे हम इंसान फ्राई अंडा कहते हैं और ये अंडा फ्राई हम इंसानों का मनपसंद भोजन है। हर किसी को अंडा फ्राई बहुत पसंद है। इस पर हल्का सा नमक लगाकर खाते हैं। माँ जी, मैं आपको खाते देखना चाहता हूँ, मुझे खा कर तो दिखाएं ये अंडा फ्राई कैसे खाते हैं। मैं थोड़ा सा नमक लेकर आती हूँ और फिर तुम्हें खा कर दिखाऊंगी। किसान की पत्नी नमक लेने चली जाती है और कालू कौवा किसान की पत्नी का फ्राई अंडा उठाकर भाग जाता है। कालू कौवा थोड़ी दूर जंगल में जाकर वो अंडा खा लेता है। वाह वाह, आज तो फ्राई अंडा खाने का मजा ही आ गया। जिंदगी में पहली बार इतनी स्वादिष्ट चीज खाई है, गौरी को बताता हूँ जाकर। फिर कालू कौवा अपना पेट भरकर अपने घर की तरफ उड़ता है। गौरी गौरी, आज मैंने एक ऐसी चीज खाई है जो तुमने कभी नहीं खाई। अकेले अकेले ही खाकर पति जी, अब क्यों मेरा जी तरसा रहे हो? गौरी, आज मैंने फ्राई अंडा खाया है, मेरा विश्वास करो, वो बहुत स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट कि मेरे मुंह में अभी तक उसका स्वाद है। कालू जी, क्या था जो थोड़ा सा अपनी सुंदर पत्नी के लिए भी ले आते? मैंने भी योजना बनाई है, अब हम दोनों हर रोज फ्राई अंडा ही खाया करेंगे। परंतु वो कैसे? इतना बड़ा जंगल है, हम रोज किसी ना किसी पक्षी का अंडा चुरा लिया करेंगे और फ्राई करके खा लिया करेंगे। कालू जी, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा, अब जल्दी से मुझे अंडा फ्राई खिला दो। तुम घोंसले में बैठो और मैं जाता हूँ और किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। उसे थोड़ी ही दूर चिड़िया के घोंसले में दो अंडे दिखाई देते हैं। कौवा उनमें से एक अंडा उठाकर भाग जाता है और जाकर वो अंडा फ्राई करके अपनी पत्नी को देता है।
अब जरा खाकर मुझे इसका स्वाद बताओ। ये तो देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। फिर गौरी कव्वी वो फ्राई अंडा खा लेती है। कालू जी, सच ही कहा था तुमने, ऐसी स्वादिष्ट चीज मैंने पहले नहीं खाई। अब तो हम हर रोज ऐसा ही किया करेंगे और हम सभी पक्षियों के अंडे फ्राई कर करके खा जाएंगे। चिड़िया जब घर लौट कर आती है तो अपना एक अंडा ना देखकर रोने लग जाती है। कोई जालिम मेरा अंडा उठा ले गया। जालिम ने मेरे छोटे से बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। क्या मिला होगा जालिम तुम्हें ऐसा करके। ये सब देख तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रही हो? तोते भैया, मेरा अंडा कोई चोर उठा ले गया है। मैं थोड़ी देर के लिए नदी पर पानी पीने गई थी। चिड़िया बहन, अंडे खाने वाला पक्षी तो कोई भी नहीं रहता हमारे बीच, फिर ये सब कैसे हो गया? दूसरे दिन कौवा और कव्वी फिर से उड़ते हैं। वो अपना फ्राई पैन साथ ही लेते हैं। कालू जी, तुम यहाँ बैठकर आग जलाओ और पैन को गरम करो और मैं बुलबुल के घोंसले से अंडा उठा कर लाती हूँ। अभी कल ही उसने दो ताजे ताजे अंडे दिए हैं। वो ऐसा ही करते हैं। गौरी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है। वो छुपकर बैठ जाती है। मैं अपना भोजन ले आती हूँ, थोड़ी देर बाद धूप तेज हो जाएगी और फिर वापस आकर मैं अपने अंडों पर बैठ जाऊंगी। बुलबुल भोजन लेने चली जाती है। वो बेचारी ये कब जानती थी कि अंडा फ्राई खाने की शौकीन गौरी कव्वी छुपी बैठी उसके जाने का ही इंतजार कर रही थी। गौरी तुरंत बुलबुल के घोंसले में जाती है और उसके घोंसले से दोनों ही अंडे उठाकर भाग जाती है। अरे गौरी, ये क्या, तुम तो बुलबुल के दोनों अंडे ही चुरा लाई, एक छोड़ देती, ऐसे तो बुलबुल रो रो कर मर जाएगी। इतना छोटा सा तो है बुलबुल का अंडा, एक से मेरा पेट कब भरेगा। तो फिर क्या ये दोनों ही तुम खाओगी? ज्यादा बातें ना सुनाओ, जल्दी से ये अंडे फ्राई करो और मुझे दो। फिर कालू वो दोनों अंडे फ्राई करता है। गौरी वो दोनों ही अंडे खा जाती है और कालू गौरी का मुंह देखता रह जाता है। कालू जी, मुझे तो ऐसी लत पड़ गई है अंडे फ्राई खाने की कि दिल करता है हर समय मुझे फ्राई अंडा ही मिलता रहे। अब जिस भी पक्षी का अंडा चोरी करेंगे वो मैं फ्राई करके खाऊंगा। तो मैं कौन सा भूखी रहूंगी, मैं भी किसी पक्षी का अंडा चुरा लूंगी। अंडा चोरी करना सबसे आसान काम है, ये तो भोजन चोरी करने से भी आसान है। पहले मेरा अंडा चुराया, फिर बुलबुल के दोनों अंडे और आज कबूतर का अंडा भी चोरी हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे जंगल में किसी के अंडे भी नहीं बचेंगे। जो भी हो, मैं उस चोर को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मार कर ही दम लूंगा ऐसे जालम को जिसने हमारे मासूम अंडों को चुराया। ना जाने उसने हमारे मासूम अंडों से क्या बर्ताव किया होगा। चिड़िया बहन, आप वो सामने वाले सूखे पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाएं और मैं अभी आया। कबूतर भैया, बताते तो जाएं कि आखिर आप क्या करने जा रहे हो। चिड़िया बहन, आप बस घोंसला बनाएं। और कबूतर वहां से चला जाता है। कबूतर मैदान में सांप की बिल पर जाता है और वहां से सांप के दो अंडे उठाकर ले आता है। चिड़िया बहन, अब ये अंडे इस घोंसले में रखकर हम नदी पर चले जाएंगे और फिर शाम को देखेंगे कि कौन चुराता है। ये अंडे खाने से कोई कैसे मरेगा? क्योंकि ये अंडे जहरीले सांप के हैं। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, परंतु उस जालिम ने जो हमारे अंडों से किया है वो है ही इसी लायक। फिर चिड़िया और कबूतर वो सांप के अंडे उसने घोंसले में रखकर नदी पर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद कौवा और कव्वी भी उड़ते उड़ते वहां आ जाते हैं।
कालू जी जल्दी से इसी पेड़ के नीचे पैन गरम करो, दो अंडे मिल गए। ये घोंसला किसी पक्षी ने आज ही बनाया है। पहले मुझे वचन दो कि एक अंडा मुझे दोगी। कालू जी प्रॉमिस, अब जल्दी करो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फिर कौवा पैन गरम करता है और गोरी वो दोनों अंडे उठा लेती है। कौवा और कवी वो अंडे फ्राई करते हैं और वो दोनों एक एक अंडा खा लेते हैं। वो ये कब जानते थे कि वो अंडे तो जहरीले सांप के हैं। कौवा और कवी फ्राई अंडे खाते ही मर जाते हैं और फिर उन्हें बुरे काम की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के साथ बुरा करता है अंत में उसका ही बुरा होता है।